ला फर्जी तरीका के खरीदी के मुद्दा उठात क्रांति सेना कोरबा मा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एसीबी कंपनी और प्रशासन ऊपर आरोप लगाए है। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के मुताबिक कोरबा मा बछर 2013-14 मा कुल 23 लोगन द्वारा सरकारी दस्तावेज मा कूट रचना कर अनुसूचित जनजाति के स्थायी जाति प्रमाण पत्र बनवाए गए है, जिन मूलतः दूसर प्रांत के निवासी है, जिन मन कंपनी में मजदूरी के काम करत है। कटघोरा क्षेत्र के कई गांव में सैकड़ों एकड़ जमीन के खरीदी करे गए। भोला भाला आदिवासी मन के जमीन औने पौने दाम में डरा धमका के जबरन खरीदे गए, ताकि एसीबी कंपनी आदिवासी जमीन में अपन उद्योग स्थापित कर सके। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के प्रदेश मंत्री दिलीप मिर्री पत्रकार वार्ता में कही लोगन के मूल दस्तावेज गायब कर दिए गए, ताकि जाति प्रमाण पत्र के आधार में मूल निवासी छत्तीसगढ़िया आदिवासी मन के जमीन ल खरीदे जा सके। 23 व्यक्ति के नाम से जो है एसडीएम कटघोरा में स्थायी जाति प्रमाण पत्र बने हैं अनुसूचित जनजाति आदिवासी के नाम से। और जब हम आगे जब पता करें तो पता चलिस ये 23 व्यक्ति मन के नाम से करीब 400 से 500 एकड़ जो है जमीन एसीबी कंपनी हाँ अपन पावर प्लांट पर खरीदे है ए मन के नाम से। तो चाहते कि ये जो शिकायत हो तत्काल FIR हो, पूरा एविडेंस साथ में देना हमें, ओकर बाद में जाँच हो, पहले तो FIR लॉन्च हो, चूंकि अपन हाँ चूंकि ये पूरा दस्तावेज जो है लिखित है, ये दस्तावेज जो है SDM कटघोरा जो है वो दे है इला हम नहीं दे हैं। SDM कटघोरा के जांच रिपोर्ट के आधार पे हम ये शिकायत करत हैं, सरकारी दस्तावेज है। अगर एकर होए के बाद भी शिकायत होए के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई तो नियमता हम न्यायालय की लड़ाई भी लड़बो, हम क्रिमिनल केस में पिटीशन फाइल करबो, चाहे वो जिला न्यायालय हो या फिर हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, हम सुप्रीम कोर्ट तक भी जाबो, कोई दिक्कत नहीं है। और अलावा जो है पूरा प्रदेश में छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना जो है एकर विरुद्ध जो है आंदोलन मुखर रूप से करी और संबंधित जो है व्यक्ति मन के पुतला दहन करी और शासन प्रशासन ला अवगत कराई कि इस टाइप के जो है भ्रष्टाचार और अनमितता छत्तीसगढ़िया और आदिवासी मन के साथ हम नहीं सहन।